बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इन लेक्चर नंबर 15। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम इन द कैटेगरी ऑफ डायनेमिक प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैटेगरी हमने पिछले कई लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और उसमें हम जो प्रॉब्लम फिल वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो एडिट डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। और लास्ट लेक्चर में एडिट डिस्टेंस की इम्पोर्टेंस की हमने बात की, एडिट डिस्टेंस कहाँ कहाँ किस फील्ड में इस्तेमाल होती है, प्रॉब्लम ये इसका एल्गोरिथम हमने उसके कई एप्लीकेशंस डिस्कस की, और इसके अलावा हमने एक एग्जांपल भी देखी कि एडिट डिस्टेंस में हम क्या बात कर रहे हैं। आज हम आगे चलेंगे और एडिट डिस्टेंस को मज़ीद डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे, और जो हम इसके अंदर एल्गोरिथम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी आज फॉर्मलाइजेशन डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एग्जांपल्स भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेसिकली एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा था कि एक स्ट्रिंग को हमने दूसरी स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो उसके लिए जो ऑपरेशंस हमें दरकार हैं वो सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन, ये हमारे पास बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें चाहिए। और फिर हम ये एक और ऑपरेशन होता है जिसको मैच का ऑपरेशन हमने कहा था, जिसके कोई कॉस्ट नहीं होती, मैच में तो हम कुछ चेंज भी नहीं करते। तो ये हमने मैथ को आर्ट्स में तब्दील किया था, तो उसमें अब आप देखें कि एम को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ए को मैंने यहाँ पे डिलीट किया, आई को मैंने यहाँ पे यानी इंसर्ट किया, यानी आई फॉर इंसर्ट, ये टी जो है वो दोनों सेम है तो ये मैच है, इसमें ना तो कोई इंसर्ट होगा ना डिलीट होगा। उसके बाद डिलीट किया मैंने एच, यहाँ पे एच डिलीट किया, और फिर मैच हुआ यहाँ पे एस बराबर है, तब ये मैथ आर्ट्स में जो है वो तब्दील हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसकी जो एडिट ट्रांसक्रिप्ट बनती है वो हम कैसे शो करते हैं। यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी कॉस्ट आई वन, डी यानी डिलीट किया इसकी कॉस्ट आई वन, इंसर्ट किया इसकी भी कॉस्ट वन आई, मैच इसमें हमने कुछ भी नहीं किया तो इसकी कॉस्ट ज़ीरो है, फिर डिलीट किया इसकी कॉस्ट वन आई, और फाइनली फिर हमने यहाँ पे मैच फिर हुआ तो इसकी कॉस्ट ज़ीरो है। इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल ये फोर आएगा, तो फोर इसकी कॉस्ट है यानी मैथ को आर्ट्स में तब्दील करने के। तो ये एडिट डिस्टेंस है। इन जनरल इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमिन द ऑप्टिमल एडिट डिस्टेंस, यानी अगर हम ये चीज़ बताएं कि अभी हमने जो लास्ट प्रॉब्लम की कि मैथ को आर्ट्स में चेंज किया, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, एल्गोरिथम है इसको मैंने अल्टुइस्टिक में शो करना है, यानी अल्टुइस्टिक जो है इसमें चेंज करना है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये जो मैं अभी लास्ट केस में और इस केस में ये करूँगा, ये तीन ऑपरेशन चार ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म करूँगा एल्गोरिथम को अल्टुइस्टिक में चेंज करने के लिए, तो ये जो मेरा सोल्यूशन है क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, इसी का हम सोल्यूशन आज ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एडिट डिस्टेंस का जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है उसकी हम रिकर्सिव डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, बल्कि अब यहाँ से एल्गोरिथम ही हम आगे स्टार्ट करने लगे हैं, इसके बेसिक स्टेप्स जो हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले रिकर्सिव डेफिनेशन है, क्योंकि ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, जैसे हमने फिबोनाची देखा था, और इसके अलावा आगे भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो मेन क्रक्स है वो है भी रिकर्सिव प्रोसेस करना। सपोज वी हैव ए एम करेक्टर स्ट्रिंग ए एंड एन करेक्टर स्ट्रिंग बी। यहाँ पे अब फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग ए है और बी है, ए को हमने बी में चेंज करना है। ए स्ट्रिंग्स में फर्ज करें एम करेक्टर्स हैं, और बी स्ट्रिंग में हमारे पास एन करेक्टर्स हैं। यहाँ पे डिफाइन हम एडिट डिस्टेंस फंक्शन, आप इसको कह लें, या
एट ए डिस्टेंस जो हम रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे थे कि वो है ई ऑफ आई कॉमा जे। अब इसमें आई और जे क्या चीज़ है, टू बी एट ए डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट आई करेक्टर्स ऑफ ए एंड फर्स्ट जे करेक्टर्स ऑफ बी। हमारे पास एक ए स्ट्रिंग है, एक बे स्ट्रिंग है, इनको अगर आप ऊपर नीचे रखें ए और उसके नीचे बी स्ट्रिंग, हम ये कह रहे हैं कि आई के कुछ करेक्टर्स हम लें, फर्स्ट करेक्टर लें, एक लें, तीन लें, चार लें, और दूसरी स्ट्रिंग के बी स्ट्रिंग के भी कुछ करेक्टर्स लें। जो ए स्ट्रिंग के हमने करेक्टर्स लिए हैं उनको फर्स्ट आई करेक्टर्स कहेंगे, जबकि बी स्ट्रिंग के जो हम करेक्टर लेंगे उनको हम फर्स्ट जे करेक्टर्स कहेंगे। ये अब आगे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखें वही एल्गोरिदम को मैंने आर्टिस्टिक में दिखाया है। यहाँ पे अब मैंने देखें आई के यहाँ पे मैंने पांच करेक्टर्स लिए, ए एल जी ओ आर। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम के हवाले से चार करेक्टर्स लिए हैं। ये करेक्टर नहीं है बल्कि ये हमने इसकी जगह मतलब इसको डिलीट करना है या इसकी जगह रिप्लेस करना है। बहरहाल ये यहाँ पे आपको डैश नज़र आ रही है, ये इस करेक्टर के हिसाब से है। तो एडिड डिस्टेंस बिटवीन द इंटायर स्ट्रिंग ए एंड बी, तो हम उसको कहेंगे ई ऑफ एम कॉमा एन। ई ऑफ एम क्या है, नंबर ऑफ यानी हमारे पास ए स्ट्रिंग के करेक्टर्स, और एन क्या है बी स्ट्रिंग के करेक्टर्स। तो ये अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो ये आई जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि 5 है, और जे जो है वो इस वक्त 4 पे खड़ा है फिल वक्त। द गैप रिप्रेजेंटेशन फॉर द एडिड सीक्वेंस एज क्रूशल द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, इफ़ वी रिमूव द लास्ट कॉलम द रिमेनिंग कॉलम मस्ट बी रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट एडिड सीक्वेंस फॉर द रिमेनिंग सबस्ट्रिंग। कह हम ये रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि यही जो हमने लास्ट शेप देखी है उसमें जो लास्ट वाला कॉलम है अगर वो हम डिलीट कर दें तो फिर हमारे पास जो सीक्वेंस रह जाएगा वो हमारा शॉर्टेस्ट सीक्वेंस हो सकता है। अब इसको आगे एग्जांपल से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से अगर मैं फ़र्ज़ करें, ये मैंने करेक्टर हाईलाइट किए थे, ये वाले आई वाले और ये जे वाले, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये वाला बनता है, यानी वो जो मेरा लास्ट, अगर आप स्लाइड देखें, अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं ये वाली, ये जो लास्ट कॉलम इसका सेट का बनता है, इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तो फिर आप देखें कि एडिड डिस्टेंस जो है वो 6 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 6 है। वैसे लास्ट कॉलम रिमूव करने से जो एडिड डिस्टेंस है वो 5 हो जाएगा। ऑफ कोर्स 5 हो जाएगा क्योंकि ये आपने अगर डिलीट कर दिया तो फिर तो एक कम हो गया कॉलम, और फिर उसकी जगह यहाँ पे 5 जो है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। तो इसको मज़ीद हम देख सकते हैं आगे, आगे भी हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे। देयर आर कपल ऑफ ऑबियस बेस केसेस, जैसे हमने एक तय किया था शुरू में कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बेस केस से शुरू करते हैं और बॉटम अप फैशन में ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर आपको याद हो डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने कहा था कि हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर मज़ीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और फिर जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता बल्कि हम बेस केस से स्टार्ट करते हैं, यानी लास्ट से, बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ मूव हम करेंगे। द ओनली वे टू कन्वर्ट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन टू द स्ट्रिंग जे करेक्टर, अब फर्ज करें हमारा जो बेस क्राइटेरिया है वो बनता है ई ऑफ 0 कॉमा जे इज इक्वल टू जे। अगर फर्ज करें आई 0 है, मतलब हमारे पास पहली स्ट्रिंग है ही नहीं, तो फिर हमारे पास सिर्फ जे के करेक्टर्स हैं, तो फिर मुझे आप बताएं कि क्या हमें एडिड डिस्टेंस पड़ेगा। जाहिर है जितने जे के करेक्टर्स होंगे उतने हैं क्योंकि आई के तो हैं ही नहीं, तो आप इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे जे कहा हुआ है। द ओनली वे टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग ऑफ आई करेक्टर इन टू द एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ द आई डिलीशन, इस केस में आप देखें इंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि जे के करेक्टर हैं, आई के तो हैं ही नहीं, तो इंसल्ट करना पड़ेगा।
यानी जितनी भी स्ट्रिंग होगी पांच करेक्टर पांच इंसर्शन होंगी, छः हैं तो छः होंगी। लेकिन इस केस में अगर फ़र्ज करें हमारे पास आए है यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग है, नीचे वाली नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कितनी डिलीशन होंगी, जितने आई की वैल्यू होगी, यानी पांच आई के करेक्टर्स हैं तो उसके भी पांच होंगी, सात हैं तो सात होंगी, एंड सो फोर्थ। तो ये हमने दो जो बेस क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिए हुए हैं। फोर पॉसिबिलिटी ऑफ द लास्ट कॉलम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एडिट सीक्वेंस डिलीशन। आप देखेंगे अब हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बेस केस तो हमने देख लिया, फर्ज करें कि हमने यहाँ पे डिलीशन लास्ट एंट्री द बॉटम रो एम्प्टी। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास सबसे पहले डिलीशन की एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पे तीन करेक्टर्स लिए आई के और यहाँ पे दो करेक्टर्स लिए। यहाँ पे दो क्यों लिए, क्योंकि इसके तीन करेक्टर्स हैं, इसके हमने यहाँ पे कोई करेक्टर्स नहीं है क्योंकि हमने डिलीट करना है। इससे आगे अगर हम कोई और लेंगे तो फिर टीवी इधर आ जाएगा, लेकिन हमने वो नहीं लेना। यहाँ से हमने तीन लिए और जे से हमने दो करेक्टर्स लिए। तो अब आप अगर इसको डिलीट कर दें, अब आप इसको अगर डिलीट कर दें तो आई जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो भी टू पे चला जाएगा। तो उस केस में जब आप डिलीशन करेंगे तो होगा ई आई कॉमा ई ऑफ आई कॉमा जे इज़ इक्वल टू ई ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन। ये प्लस वन कहाँ से आया है, ये कॉस्ट है। हमने देखा था कि इंसर्शन डिलीशन और जो सब्स्टिट्यूशन की है कॉस्ट वन होती है, तो हमने वो भी साथ लगानी है। तो यहाँ पर कॉस्ट वन आई तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी। आई माइनस वन क्यों किया, क्योंकि मैं अगर ये लास्ट कॉलम डिलीट करता हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ कि लास्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास जे तो टू ही रहेगा, लेकिन आई जो है अब क्योंकि इसमें से कम हो गया है तो वो आई माइनस वन होगा। इसी तरह इंसर्शन की प्रॉपर्टी भी देख लें, लास्ट एंट्री विल द टॉप रो इज़ एम्प्टी। यहाँ पे अब आप देखें हमने फर्ज करें यहाँ पे पांच करेक्टर्स लिए आई के, यानी ए एल जी ओ आर, और बॉटम फैशन में हमने यहाँ पे इंसर्शन प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो लास्ट एंट्री फर्ज करें हमने आई के पांच करेक्टर्स लिए, जे के भी हमने पांच लिए। तो अब आप लास्ट वाला अगर कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू तो पाँच ही रहेगी, लेकिन क्योंकि अब इसका करैक्टर डिलीट हो गया है तो ये चार रह जाएगा। तो अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ई ऑफ आई कॉमा जे इज़ इक्वल टू ई ऑफ आई जे माइनस वन प्लस वन। प्लस वन क्या है, कॉस्ट है इसकी इंसर्शन की। तो ये आप देखें इस तरह फंक्शन बनेगा। आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कि बोथ रो हैव करेक्ट इन द लास्ट कॉलम। फर्ज करें कि हमने आई भी जो है वो चार है और इसके हमने करेक्टर लिए जे के तीन। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये डिलीट करूंगा दोनों तो उस केस में क्या होगा कि आई की वैल्यू भी तीन हो जाएगी और जे की वैल्यू भी टू हो जाएगी। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी ई ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू ई ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन। तो आई में भी एक माइनस किया, जे में भी माइनस किया, वजह बता दी आपको। और प्लस वन जो है वो उसकी कॉस्ट आएगी, ऑफ कोर्स जो है सब्स्टिट्यूशन की भी कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे अब आप देखें कि जो अगला केस है हमारा, यानी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, यानी मैच वाला केस है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये दोनों देखें आर मैच कर गए हैं या डिलीट करेंगे इन दोनों को, तो आई माइनस वन होगा, जे माइनस वन होगा, लेकिन कॉस्ट इसकी नहीं आएगी क्योंकि मैच की कोई कॉस्ट नहीं होती। तो ये देखें किस तरीके से हम इसकी फॉर्मलाइजेशन जो है वो बना चुके हैं। यहाँ पे देखें दस द एडेड डिस्टेंस ऑफ ई ऑफ आई कॉमा आई कॉमा जे इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर पॉसिबिलिटी। तो चार पॉसिबिलिटी हमने ढूंढ ली, बना ली, अब उनको हम यहाँ पे रिकर्स रिलेशन के अंदर लिख लेते हैं। तो ई ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ई आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन। पहली हमने ये पॉसिबिलिटी देखी थी जो कि डिलीशन की थी,
दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी थी इंसर्शन की, जिसमें ई ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन प्लस वन, और तीसरी पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन की देखी थी, जिसमें हमने कहा था अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए ऑफ आई और बी ऑफ जे अगर बराबर नहीं है, अगर तो ये बराबर नहीं है तभी जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी, और उस केस में हम कहेंगे ई ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन प्लस वन। और लास्ट वाला मैच वाला केस है, तो अगर तो ये ए ऑफ आई और बी ऑफ जे अगर दोनों बराबर हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बल्कि वो हमारा मैच वाला केस होगा, उसमें हम कह रहे हैं कि ई ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन जो है वो आएगा। तो ये हमने चार पॉसिबिलिटीज़ जो एल्गोरिथम के अंदर थीं वो हमने निकाल ली हैं। अब आगे इसी को लेके हम आगे एक एग्जांपल करेंगे और इसको आगे चल के हम एक ग्राफिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम ये आगे प्रॉब्लम लेके चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।